क्योंकि मैं चाहूंगा ग्लोबली जो कि तकरीबन आपको पता होगा कि 52 मुस्लिम ममालिक हैं, कोई मुस्लिम ममालिक के कोई भी लीडर को सिलेक्ट नहीं किया गया। उसके मुताबिक अगर 205 मुल्क हैं दुनिया के अंदर और वहाँ के किसी भी लीडर को सिलेक्ट नहीं किया गया, इसमें जो बाइडन जो कि अमेरिका का लीडर सदर है उसका रैंकिंग भी तकरीबन 19वां नंबर है और टॉप पर इस टाइम नरेंद्र मोदी है। कोई ना कोई बात तो। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। आज मोदी साहब ने ऐसा कारनामा कर दिखाया कि यानी विश्व में शायद ही कोई कर पाए। जो खिताब भारत ने यानी कि जो एक भारतीय पीएम ने ले लिया है कि भाई सबसे फेमस पीएम यानी कि जो जनता की राय थी तब इंडिया का चुना था, पाकिस्तानियों से जब ये पूछा जाता है यानी कि मदरसा छापों की सोच तो देखिए कि काश कोई मुसलमान होता तो अच्छा होता। एक बार आप वीडियो देखिए और कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें। बात तो हो कि पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर लीडर कौन है? मेरी तो समझ में, पहले मैं तो शुरू से जब से होश संभाला नवाज शरीफ को सर करता रहूं, तो अब जो है वक्त के साथ साथ है इमरान खान जो है पॉपुलर है, लेकिन महंगाई तो इसने की है इमरान खान ने। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि 75% ग्लोबली मोस्ट पॉपुलर लीडर का खिताब नरेंद्र मोदी को दिया गया है जो कि इंडिया का। क्या समझते हैं आपके वो वाकई में ही एक मशहूर तरीन लीडर है? नहीं नहीं नहीं, क्यों असं मुसलमान है अलहमदुल्ला से क्यों उसको साथ दी उसका या उसको क्यों अहमियत दी है? बताया गया ना वहाँ पर किसी मुसलमान का, कितने सारे मुसलमान ममालिक हैं आप देखेंगे 51 तकरीबन मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो वहाँ पर एक का भी जिक्र नहीं आया। तो ग्लोबली आप देख रहे हैं कि वहाँ पर मोदी का जिक्र है, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो वही जवाब दूंगा आपको, नहीं समझ आ रही। नहीं, मैं मुझे नहीं समझ आ रही। टेढ़े हो तुम, वो भी टेढ़े वाले। क्यों नहीं समझ आ रही आपको? देखे जैसे कि सीधी बात पंजाबी में बात कर ले, उर्दू से नहीं होती। तो दुनिया के मशहूर तरीन जिसको कहते हैं ना, वो वाले लीडर हैं, खिताब मिल चुका है नरेंद्र मोदी को, मशहूर तरीन दुनिया के, जिसमें से आपको पता है कि दुनिया में कम से कम 205 कंट्रीज है जिसमें से ग्लोबली नरेंद्र मोदी को मिल चुका है। क्या कहेंगे पाकिस्तान के? आपको नहीं लगता कि फेमस तरीन लीडर है कि नहीं है? जरूर है। कौन है? इमरान खान ही है। खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ खा ले। आप मानते हो मोदी को फेमस तरीन? नहीं नहीं। क्यों नहीं मानते? मैं नहीं मानता, मैं एक मुसलमान हूँ, इमरान खान को मानता हूँ। बस हवा निकल गई। मुसलमान ये थोड़ी कहते हैं कि आप ना माने, नहीं, नहीं। अच्छा काम कर रहे हैं ना वो भी। चलो अच्छा काम कर रहे, तो आपसे आपके कहने से मैं कह देता हूँ ठीक है, मानते हो मैं रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं मानते, मेरा दिल नहीं मानता। दिल क्यों नहीं मानता? आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, मैं आपके मसले को हल कर दूंगा। क्यों नहीं दिल का मसला? हल ठीक है, मैं मान गया ठीक है। नहीं ऐसे नहीं ना मानना, दिल क्यों नहीं मानता आपका कि उन्हें फेमस लीडर कहने को? यार मुझे इसका नहीं पता। चलिए बहुत शुक्रिया, कोई मसला नहीं, थैंक यू सो मच। यही नहीं, अभी और सुनिए। रिसेंटली ग्लोबल एक दुनिया ने दुनिया के एक रिसर्च के मुताबिक, सर्वे के मुताबिक ये सर्च किया गया, 75% लोगों ने जो सिलेक्ट किया, जिसको अपना लीडर माना, जो बड़ा लीडर जिसको कहा जाता ग्लोबली वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसने तोड़ दिया, वो लीडर है नरेंद्र मोदी को दुनिया ने कहा कि भाई ये फेमस तरीन लीडर है दुनिया के ग्लोबली। क्या इस बात को मानते हैं? नहीं, मैं दुनिया से एक्सेप्ट करता हूं। क्यों इस बात को? क्यों नहीं? देखिए आप मतलब उसका करेक्टर देख लेना, जो मतलब भी मुसलमानों को ना ही देखे, मतलब उसने इंसानियत को मतलब गिराने की बड़ी कोशिश की। इंसानियत को गिराने की कोशिश की कैसे? किस तरह? कोई एक मिसाल, कोई एक चीज बताएं मुझे। आप देख लें कश्मीर के साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? कश्मीर में बहुत जुल्म कर रहा है वो, कश्मीर की अभी मैं आपको वीडियोस, कश्मीर की मैं अभी आपको वीडियोस निकाल के दिखाऊं, और कश्मीरी तो कहते हैं कि भाई हम तो नरेंद्र मोदी की हुकूमत में बहुत ज्यादा खुश हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वाह मोदी जी वाह वाह वाह। अबे यार नहीं, ये तो उनके मतलब ये इंडिया की गवर्नमेंट के अपने काम करते हैं थोड़ा सा ना, लेकिन आप खुद अगर देखें सोशल मीडिया पे आजकल ट्रेंड चल रहे हैं, उनके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, उनके मतलब अपने जो राइट्स हैं उनको खत्म किया जा रहा है, तो मैं तो नहीं मानता कि मोदी एक ग्रेट लीडर है। जो ग्लोबली जो कि तकरीबन आपको पता होगा कि 52 मुस्लिम ममालिक हैं, कोई मुस्लिम ममालिक के कोई भी लीडर को सिलेक्ट नहीं किया गया। उसके मुताबिक अगर 205 मुल्क हैं दुनिया के अंदर और वहाँ के किसी भी लीडर को सिलेक्ट नहीं किया गया, इसमें जो बाइडन जो कि अमेरिका का लीडर सदर है उसका रैंकिंग भी तकरीबन 19वां नंबर है और टॉप पर इस टाइम नरेंद्र मोदी है, कोई ना कोई बात तो होगी ना? मेरे देखिए अगर आप मतलब मुस्लिम ममालिक को लें ना, तो हमारे अंदर खुद ही मतलब इतिहाद ही नहीं है। नहीं, हमारे अंदर इतिहाद नहीं है, अमेरिका के अंदर तो इतिहाद होगा ना, उनका वो देखो, उनका 17वां नंबर 19वां नंबर है। ये देखें ना 56 इस्लामी मालिक हैं, अगर आप देखें आज क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, अगर ये इकट्ठे हों एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएं, कोई भी मतलब सजेशन नहीं, मतलब इनके दरमियान में मैं तो कहता हूँ यूनिटी नहीं है, किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं हो सकते। आप देख लें 56 ममालिक बहुत ज़्यादा हैं, हिंदुस्तान एक है, लेकिन वो मुसलमानों पर कितनी मतलब जुल्म कर रहे हैं। और यार फॉर एग्जाम्पल के आप चार भाई हो,
है ना चार भाई, देख लो मैंने कैसे मिसाल दे दी, लग गई ना मेरी ठा लग गई। अच्छा चार भाई हो आप, चार भाई में से एक भाई ऐसा है कि जिसको आप ना कभी खाना नहीं देते, टाइम पर उसको रोटी नहीं पूछते, और सारा काम भी उससे करवाते और मारते और जबरदस्ती उसको नमाज पढ़ने देते, इबादत करने नहीं देते, क्या वो आपके साथ रहेगा? कभी भी नहीं रहेगा ना, छोड़ जाएगा ना आपको? बिल्कुल, ये तो छोड़ के चला जाएगा ना, ऐसे ही है। अगर हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ जुल्म होता, मुसलमानों के साथ जुल्म करते हो, तो क्या वहाँ पर वो मुसलमान जिहाद ना कर रहे होते कि हमें निकाल दिया, जो तहरीके ना चला रहे होते? नहीं आप देखें ना, एक मतलब भी मिसाल दो, वो अपनी इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ वगैरह कैसे छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन वो अपने आवाज़ उठाते ना, उनके साथ अगर कोई जुल्म हो रहा है तो उनके खिलाफ किसी ना मुसलमान की वीडियो देखिएगा किसी नेट पर, कभी आपको टाइम मिले तो, वो कहते हैं कि भाई अगर हिंदू का मुल्क, अगर आप हमसे हमारी जो इस मुल्क के साथ हिंदुस्तान के साथ वफादारी जानना चाहते हो, तो हम दिन के अंदर 5 मरतबा इस ज़मीन को माथा टेक कर सजदा करते हैं, आप लोगों से ज़्यादा मानते हैं, और हकीकत भी यही है, और वो मानते भी हैं मुसलमानों को। और अब्दुल कलाम को आप जानते ही होंगे कि जो कि प्रेजिडेंट रह चुके हैं इंडिया के, पढ़े लिखे हो आप, आपको तो इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि किसी भी मुल्क के अंदर किसी भी कौम के साथ ज्यादती करके वो मुल्क ज़्यादा देर तक टिक सकता? नहीं टिक सकता, लेकिन अब ये देखना, अब यहाँ पे अगर किसी नॉन मुस्लिम के साथ कोई गलत होता है, अब उसका सारा कुछ यहाँ पे है, तो अब वो इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं छोड़ के वो जनाब जी भाई चलाइए, फॉर एग्जाम्पल मूव कर जाइए। बिल्कुल, एक मिनट मैं आपसे बात करता हूँ, अगर कोई एक बंदा कोई हिंदू कोई ईसाई के साथ यहाँ पर भी ज्यादती करे, तो क्या ख्याल है लोग, आप लोग देखते रहेंगे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड वेरी नाइस? हमारा इस्लाम तो इस बात की इजाजत नहीं देता। नहीं यार इजाजत नहीं देता, कोई लोग होते हैं जो शरपसंद होते हैं, कोई लोग होते हैं जिनको जो माहौल को गर्म करके क्रिएट करके ना मजा आता है उनको, वो कुछ होते हैं ना इस तरह। आप ये राजे ना थोड़े मेरे करीब आ जाओ यार। नहीं मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी हमारा इस्लाम तो इस बात की इजाजत नहीं देता, इजाजत नहीं देता, सबके मतलब सबके मजहब, मतलब किसी के मजहब को बुरा बुलाना कहो, क्योंकि वो आपके सच्चे मजहब को झुठलाएंगे, तो इसलिए हम ये तो कह ही नहीं सकते ना कि वो गलत है ये वो गलत है, हम तो सबको लेकर इकट्ठा चलते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आपने जैसे कहा कि मैंने आपको जैसे बताया कि अगर कोई एक बंदा, यार शरपसंद लोग हर माशरे में होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं बुरे लोग भी होते हैं, मुसलमानों के अंदर भी बुरे लोग भी हैं अच्छे लोग भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो आपस में लड़ते हैं फसादात करते हैं, यहाँ पर भी ऐसे हैं। आप किसी पंजाबी को कह दो कि इस खंबे के अंदर करंट है, तो उसने कहना ओ केड़ा करंट ओए करके उसने हाथ लगा लेना, इस तरह के लोग हैं, आप इस बात को मान लो। हाँ वो तो है, मैं कह रहा हूँ हर किसी के अपने परसेप्शन होते हैं ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अगर हिंदू के अंदर देखो ना, एक अलग सोच रखने वाले बंदे, एक मुसलमान और एक हिंदू इकट्ठे रह रहे हैं एक मुल्क के अंदर, बड़ी बात नहीं है यार? वे उनको राइट्स तो मिलने चाहिए ना, राइट्स ना मिले ये तो गलत बात है ना। आप मिसाल के तौर पर कहते हैं घर में 3 भाई इकट्ठे रह रहे हैं, दोनों के साथ जुलम हो रहा है जनाब जी आपके, लेकिन इतफाक तो है ना इकट्ठे तो रह रहे हैं, ये तो बात नहीं ना, ये बात तो ठीक नहीं है, मिसाल तो बनी। आप ये तो कह रहे हैं भी मतलब भी वो मुसलमान वहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन मतलब इसका मतलब आप ये पॉइंट करना चाहते हैं कि उनके साथ कोई जुलम नहीं हो रहा? मैं बताना चाह रहा हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू ये है ना कि आप ये कह रहे हैं वो रह रहे हैं, इसका मतलब उनके साथ कोई जुलम नहीं हो रहा, तो इसका ये मतलब नहीं ना हो सकता, मतलब अगर वो उनके साथ जुलम नहीं हो रहा था तो आज फिर आप कश्मीर में देख लें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब भी उनके कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब आप सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं टच करते। मैं सोशल मीडिया मैं आपको बताता हूँ, रुको, G20 का पता आपको? ग्रैंड 20 कंट्रीज जो शामिल होती हैं, अभी रिसेंटली इंडिया उधर कश्मीर में करवाने जा रहा है ग्रैंड 20 की मीटिंग्स, और लद्दाख के अंदर करवाना जा रहा है। आप मुझे अपने परसेप्शन बता दें कि आप क्या मतलब ही रखते हैं कि मतलब वहाँ पे कोई जुल्म नहीं हो रहा मुसलमान? होता होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता जुल्म, जुल्म इंडिया मुसलमानों के साथ भी होता होगा, हिंदुओं के साथ भी होता होगा, कश्मीर में भी जुल्म होता, मैं ये इस बात को मैं कभी भी डिनाई नहीं कर रहा इस बात की, जुल्म यार हर माशरे में होता भाई। मैं आपको बताना, मैं आपका ना भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ, मतलब आप क्या जस्टिफाई करना चाह रहे हैं? मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि भाई हर माशरे के अंदर ये होता है, मुसलमान पाकिस्तान के अंदर होता कि नहीं होता? अभी रिसेंटली यहाँ पर आप किसी बंदे को कहोगे ओए, वो भी आपको ओए करके मार, यार होता है भाई होता है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, मेरे सर में जरा दौरे लग पड़ी है यार, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि दो कौमें रह रही हैं एक घर के अंदर, फॉर एग्जांपल एक हिंदू एक मुसलमान एक घर के अंदर रह रहे हैं, कभी ना कभी वो कहेगा मेरा खुदा सच्चा, वो कहेगा मेरा खुदा सच्चा, कभी ना कभी बहस होगी ना यार, इतने तकरार भी ना हो तो वो खूबसूरती की चीज़ की हुई, पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? अच्छा, मतलब आप इसका सलूशन क्या दे रहे हैं, मुझे ये बताएं। मैं ये सलूशन दे रहा हूँ कि भाई ये कि हमें ये मानना चाहिए कि अगर लड़ाई होती है तो उसके सुलह सपाटा कराना चाहिए, इधर से हमें ये नहीं कहना चाहिए कि भाई वो बुरे लोग हैं। आपको मुझे सलूशन देना कैसे सुलह करवाएं, चले बताएं फिर भाई। मेरा सलूशन, मेरा प्रॉब्लम्स तो बहुत होती है ना, हर कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल क्रिएटर बहुत है, सलूशन करने वाले लोग बहुत कम है। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर जब भी दो बंदों के दरमियान, फॉर एग्जांपल की लड़ाई कैसे बढ़ती है, अब मैं मोहल्ले की मिसाल दूंगा ताकि मेरे व्यूअर्स भी समझ जाएं। मैं आपको बताता हूँ, मोहल्ले के अंदर भी कुछ एक भाई आपका ऐसा होगा कि जो बाहर जाके उठ उठ के अगले को मारेगा, और दूसरा भाई एक होता है कि जो सुलह करवाने वाला होता है, जो कहता है कि यार ना लड़ो ऐसे रफा दफा करो केस को, हमें रफा दफा करने वालों में से होना चाहिए, क्या ख्याल है? इस्लाम हमें किस चीज़ का मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ ना, अभी वो प्रिटेंड कर रहे हैं गलत कर रहे हैं कश्मीर के साथ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ आपके माइंड में क्या सोल्यूशन है, क्या होना चाहिए? मेरे माइंड में ये सोल्यूशन है कि आप कश्मीरियों से पूछो कि आप क्या चाहते हो। ये तो वो पूछ रहे हैं, वो चाहते हैं हम आज़ादी, वो आज़ादी नहीं दे रहे। कौन यार कश्मीरी कहते हैं कि भाई हम इंडिया के साथ जाना चाहते हैं,
नहीं वो देखिए आपके पॉइंट में अभी भी ना वो डिस्टॉर्शन है, आप ऐसे कन्वे नहीं पूरा कर पा रहे आप, मतलब समझ नहीं आ रही कश्मीर के हक में क्या कश्मीर के हक में नहीं, मुझे तो अभी तक यही समझ। मैं कश्मीरों के हक में हूँ भाई, मैं चाहता हूँ कि कश्मीरी अपना, यार ये वाली बात आपको अगर आपने पढ़ा हो, हिस्ट्री पढ़ी हो, तो 1947 में कायदे आजम साहब ने कश्मीरियों से पूछ चुके थे कि आप किसके साथ जाना चाहते हो, आप इंडिया के साथ जाना चाहते हो, पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हो, आप आज़ाद रहना चाहते हो। पास्ट में हो गया ना आप जो, अब आप ये बताएं अभी फ्यूचर में क्या होना चाहिए। फ्यूचर में भी उनका यही सोच है भाई, मैं तो यही कहूँगा कि उनको आज़ाद कर दो, लेकिन ना वो इंडिया के साथ जाना चाहते ना वो आज़ाद होना चाहते। वो इस साल में कुछ आप स्टेटमेंट दे रहे थे कि मतलब एक स्टेट में दोनों मतलब रह सकते हैं, मगर उनके साथ गलत नहीं हो रहा, तो अभी आप कह रहे उन्हें आजाद कर देना चाहिए, तो यार मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ मेरी जान, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर वो चाहते हैं, अगर वो आजादी चाहते तो उनका आजादी दे दो, अगर वो इंडिया के साथ जाना चाहते तो इंडिया के साथ, अगर वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं उनको ले आओ अपने पास। अगर आपकी स्टेटमेंट भी देखा जाए, जैसे आपने कहा अगर एक कंट्री में दोनों लोगों पर जुल्म नहीं हो रहा तो उन्हें तो एग्जिस्ट करना चाहिए उसी स्टेट में, लेकिन अगर हम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि उनके साथ जुल्म तो हो रहा है, तो फिर तो उन कश्मीरियों के साथ, तो फिर तो एग्जिस्टेंस वहाँ पे उनकी बनती नहीं, फिर उन्हें तो बिल्कुल अलहदा बना देनी चाहिए ना स्टेट। वो तो कश्मीरी डिसाइड करेंगे ना, हम अपनी बातों तो से चुके हैं यार, वो तो अगर कर चुके हैं 75 साल हो गए हैं वो, कभी एक दिन कितना उनके साथ जुल्म हुआ है, आपको 2-3 दिन मारे आप कह देंगे मैं अगले दिन नहीं जाऊँगा स्कूल, मतलब आपको स्कूल जाने से रोका जाए तो अगले दिन, लेकिन वो 75 साल 75 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन वो फिर भी यही कह रहे हैं हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के साथ जाने जाते हैं। किसी एक का जज्बा कम हुआ या कभी आपने कोई ऐसा देखा वो थक हार के बैठ गए, उन्होंने कहा अभी आज के बाद बस ये खत्म सब कुछ, हम इंडिया के साथ हैं, इंडिया के साथ ही रहेंगे, कभी ऐसा हुआ है? कभी आपको मुझे लगता है कि ना आपको मेरे समझ आने वाले ना मुझे आपकी समझ आने वाली है, लेकिन आप भी सही कह रहे होंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, आप सही कह रहे हैं, हम गलत नहीं है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप गलत है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही कह रहे हैं, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही कह रहा हूँ। तो इस प्रोग्राम को खत्म कर देते हैं, 25 मिनट से ज्यादा चले गया होगा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो भाई आपने देखा कि एक मदरसा साहब पढ़े हुए जो पाकिस्तानी है, यानी कि जो उनको रटा दिया गया था भाई बचपन में, वो ही रटे रहेंगे। एक बात पता है आपको कि भाई कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं होती, तो ऐसे ही है पाकिस्तानी, इनका जो ज्ञान है, ज्ञान का भंडार इनके मदरसे साहब में जो दे दिया गया, भाई साहब आप इनको कितना ही समझा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनको दो बातें हैं इनको पता, सिर्फ कश्मीर को लेना है, भारत के मुसलमान पे जुल्म हो रहा है, कश्मीर के मुसलमान पे जुल्म हो रहा है, तो कश्मीर की छोड़ दो, कश्मीर की छोड़ के पाकिस्तानियों की बात करें ना, पाकिस्तानी भी इंडिया में आने वाले रहना चाहते हैं भाई, वो वहाँ पर भी परेशान है, तो आप लोग क्या सोचते हैं, हमारे भारतीय है, हमारी जो फैमिली है यूट्यूब की, वह क्या सोच रहे हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में लिखे। जय हिंद, जय भारत।